बात कर इमरान खान साहब ने दावा किया था कि आज पीटीआई अदालत में साबित कर देगी कि मरियम नवाज लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल ओनर हैं, लेकिन आप लोग आज भी साबित नहीं कर पाए, सोमवार तक साबित कर सकेंगे? नहीं, ये आपको गलत फहमी है कि हम साबित नहीं कर पाए, साबित हो चुका है। मरियम साहबा का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल झूठा है, झूठ स्टेटमेंट है और इसकी कलाई बहुत जल्दी खुलने वाली है। इनके जो जनरल मैनेजर थे हरुण पाशा 92-93 में, उन्होंने खुद इसका एहतमाम किया था इन फ्लैट का, और बेगम और कुलसूम साहिबा जो थी उन्होंने इन फ्लैट का इंस्पेक्शन किया था। मैं चैलेंज करता हूँ और मैं आपको कहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में हरुण पाशा साहब को बुलाए और उनसे पूछे कि 92-93 में ये फ्लैट किस तरीके से खरीदे गए, किसने हिदायत दी, बेगम साहबा कुलसूम साहबा जो थी वो उसमें इन्वॉल्व थी, नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे, इन्होंने इंस्पेक्शन किए, इन्होंने उनको खत लिखे मालिक को कि इसमें ये एडजस्टमेंट कराए। ये सब बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है, हरुण पाशा सही कह रहे हैं, उनको बुलाइए, उनको आप समझाइए। ये शुरू ही से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। क्यों ये मुझे बताए कि 6 हफ्ते तक ये खामोश रहे जब पानामा का वाकया जब शुरू में झूठ पनीर हुआ? क्यों इन्होंने अपने बेटों से झूठ बुलवाया 2 मुख्तलिफ टेलीविजन इंटरव्यू में? क्यों इन्होंने खुद कौन से झूठ बोला? क्यों इन्होंने नेशनल असेंबली में जाकर झूठ बोला? क्यों मरियम साहबा आज तक बिल्कुल खामोश थी? आज उनको ख्याल आया ये स्टेटमेंट देने का, क्योंकि उनका झूठ की कलाई खुल चुकी है। Thank you.